तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी आज प्रथम चरण के लिए नामांकन भरने शुरू किए जाएंगे। 58 विधानसभा सीटों पर ये नामांकन होंगे और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट और जानकारी हमारे संवाददाता और सहयोगी हमसे देंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जो कि अलग अलग जगह से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा जानकारी देंगे। इसके अलावा अलीगढ़ से मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यशपाल कसाना हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, और वहीं पर वसीम सैफी गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले करूंगी प्रदीप आपका, आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, आज प्रथम चरण के लिए यह दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर बात करें तो लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत आज से हो रही है। उत्तर प्रदेश में 5 साल जो है योगी सरकार ने पूरे किए हैं और अब आज से जो है योगी सरकार की जो परीक्षा उन्होंने दी थी उसकी अब घड़ी शुरू हो गई है। आज से परीक्षा जो परीक्षार्थी है उनको नंबर देना शुरू करेंगे। तो आज अगर हम बात करें तो आज पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया जो है नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने इसमें सुविधा ऐप का पहली बार प्रयोग करने का जो है अवसर दिया है। सुविधा ऐप के माध्यम से अगर आप कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करते हैं और अगर नहीं जाना चाहते हैं कलेक्ट्रेट तक, तो निश्चित रूप से आप घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी के साथ अपना नामांकन कर सकते हैं। जैसे फोन पर बायोडाटा रिज्यूम बनाते हैं अपना, उसी तरह से फोन पर सुविधा ऐप के माध्यम से हम अब जो है अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा एकदम स्ट्रिक्ट जो है निर्देश है DO यानी जिलाधिकारी को कि कोई भी नामांकन प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो इसको लेकर जो जिला प्रशासन जो जहां भी आज पहले दौर का जो है नामांकन है, वहां पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से ये तैयारी बना के रखी है कि जो भी नामांकन स्थल है वहां से 500 मीटर की दूरी पर जो वाहन होंगे उनका प्रवेश वर्जित होगा। वहां से 2 लोग यानी एक प्रत्याशी और एक समर्थक, 2 लोग निर्वाचन अधिकारी के पास जाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे और जमा करके वापस चले जाएंगे। जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध है। चुनाव आयोग ने चुनाव को संपूर्ण कराने के लिए जो शांतिपूर्ण रवैया है उसको अपनाते हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही दिन कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर ही हमको चुनाव कराना है और चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है, हमारे एजेंडे में है। शांतिपूर्ण चुनाव हो और सौहार्दपूर्ण चुनाव हो, जिसकी झलक जो है आज देखने को मिलेगी। अभी कुछ देर बाद नामांकन की प्रक्रिया सेंटरों पे शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो तस्वीर है वो सामने आएगी। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अलीगढ़ से मोहित गुप्ता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोहित, आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, अभी फिलहाल अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन रखना होगा। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया आज अलीगढ़ में चालू हुई है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया का काम चालू किया जाएगा, यानी कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक लोग नामांकन कराएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं कि संडे की छुट्टी रही है, यानी कि इतवार को कोई भी काम नहीं होगा। जो भी प्रत्याशी अंदर जाएंगे, प्रत्याशी के अलावा 2 लोग उनके साथ में और अंदर जा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण तरीके से ध्यान रखा होगा। RT-PCR की 72 घंटे की रिपोर्ट जिसके पास होगी वही अंदर जा पाएगा। और एक सुरक्षा की सबसे बड़ी बात हम आपको और बताएं कि कोई भी असला अंदर नहीं जाएगा, और खासकर जो उनके सुरक्षा कर्मी भी होंगे, चाहे वो पुलिस के उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो भी अंदर नहीं जाएंगे। तो एक रूप से कहा जा सकता है कि आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लोकतांत्रिक पर्व का भी आज आगाज होने वाला है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव अलीगढ़ में होना है। इसके मद्देनजर वहां पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और पुलिस फोर्स तैनात है। 500 मीटर से पहले वाहन का प्रवेश वर्जित है और मेन द्वार पर बाकायदा सबकी चेकिंग होगी, और चेकिंग होने के बाद जो भी प्रत्याशी हैं वो अंदर जाएंगे। जैसे अभी भाई ने बताया कि सुविधा ऐप के माध्यम से अगर आप नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन जो है आप अपना नामांकन भी कर सकते हैं। तो व्यवस्था पूरी तरह से चाप चौबंद की गई है और कलेक्ट्रेट में हर विधानसभा के अपने अलग अलग बूथ बनाए गए, यानी कि एक विधानसभा का और सबके लिए ARO जो है अलग से व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए। मोहित, लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ यशपाल कसाना भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। यशपाल, अगर गाजियाबाद में नामांकन प्रक्रिया को लेकर उसको देखते हुए अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो अभी क्या कुछ व्यवस्था है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए या फिर कोरोना गाइडलाइंस को जिस तरीके से ध्यान में रखना होगा उसकी बात कर ली जाए? देखिए, आपको बता दें कि आज जैसे कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी, उसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में नामांकन इसके किए जाएंगे, जहां पर पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना की गाइडलाइन को भी वहां पर जो व्यवस्थाएं
प्रशासन द्वारा की गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो इस बार जो प्रत्याशी जो भी नामांकन करने जाएंगे उनके साथ सिर्फ दो ही लोग अंदर उनका एंट्री मिलेगी, क्योंकि कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और एक वहां पर जो अंदर जाएंगे उनकी जांच वहां पर पहले होगी, उसके बाद सबको एंट्री मिलेगी। अगर बात करें उसकी तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अभी पार्टियों ने सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, कुछ पार्टियां अभी बाकी जैसे कि भाजपा की लगा लें, भाजपा ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो देखना यह है कि कितने लोग आज नामांकन करने जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अभी आज से शुरू होकर 21 तारीख तक टिकट भरे जाएंगे, तो इसी को लेकर प्रशासन वैसे तो तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रत्याशी ऊपर, प्रत्याशी कब तक जा रहे हैं और कौन कौन प्रत्याशी जाएंगे। ठीक है यशपाल, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम सैफी भी गौतम बुद्ध नगर से लगातार लाइव जुड़े हुए। वसीम, अगर नोएडा की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है, क्या कुछ व्यवस्था है, कितने से कितने बजे तक का स्लॉट है जिसमें प्रत्याशी अपने साथ लोगों को लेकर आ सकते हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये जो सूरजपुर कलेक्ट्रेट के अंदर जो सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है नामांकन किए जाएंगे, जहां पर तमाम पार्टियां जो हैं अपने नामांकन को करेंगी, और जो तमाम जिस तरीके से जो पार्टियां हैं उन्होंने जो अपने नामांकन प्रत्याशियों को घोषित किया है। हालांकि कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने अभी नामांकन घोषित उनका प्रत्याशियों का नहीं किया, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी ने कल ही नामांकन किया था, और समाजवादी पार्टी ने अभी नहीं किया है। हालांकि और जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी उन्होंने भी अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भी घोषित कर दिया है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो नामांकन कराने के लिए जो प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचेंगे वो उनके साथ जो भी असला जो भी कुछ भी ऐसी जो वस्तु होगी वो बाहर ही रहेगी, और जो उनके सुरक्षाकर्मी है वो भी अंदर नहीं जा सकेंगे, जो सिर्फ प्रत्याशी है वही जाकर अपना नामांकन यहाँ पर करेंगे। जिस तरीके से सुविधाएं जो रही है वो चुनाव आयोग की तरफ से वो ऑनलाइन सुविधा भी उनको उपलब्ध है, जो जिस तरीके से अगर कोई समस्या है जो नहीं जा सकते हैं तो वो भी अपना ऑनलाइन सुविधा का लाभ ले सकेंगे। ठीक वसीम, लौटूंगी आपके पास, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और प्रदीप, अब आपका रुख करती हूँ, और देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, हर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ दो लोगों को अनुमति दी गई है, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन भी करना होगा, और क्या कुछ गाइडलाइंस में ऐड किया गया है अगर दर्शक को समझा सके आप? हाँ बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने 13 बिंदुओं का जिक्र किया था। 13 बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु ये है कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अनुसार ही नामांकन होगा, उसके अनुसार ही प्रचार प्रसार होगा। जैसे 15 तारीख तक यानी कल तक चुनाव की रैलियों पर रोक है, कल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी रास्ता खुल जाएगा कि आगे जो रैलियां होनी थी वो होंगी या नहीं होंगी। दूसरी बात ये जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि किसी भी स्तर पे जो नामांकन स्थल है वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना। पहले हम देखते थे कि विधायक के जो समर्थक थे, विधायक प्रत्याशी के समर्थक बहुत ज्यादा संख्या में, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो, बहुत ज्यादा संख्या में नामांकन कक्ष तक जाते थे। लेकिन अब क्या है कि एक प्रत्याशी, उसके एक समर्थक और एक इसके आवेदक, ये तीन लोगों को छोड़ के और कोई उस जगह पे नहीं जा पाएगा। तीसरी बात यह है कि जो नामांकन स्थल है वहां से 500 मीटर की दूरी पर जितने वाहन है उनको रोक दिया जाएगा, तो भीड़ जो है ऑटो मोड में नियंत्रित होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें तो बिंदुवार कई ऐसी गाइडलाइन है जिसका पालन करने पर उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का पालन प्रत्याशी भी कर लेंगे, और बहुत ही आसानी के साथ जो वोटिंग प्रक्रिया है, जो मतदान प्रक्रिया है वो भी हो जाएगी और नामांकन प्रक्रिया भी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि जो सुविधा ऐप दिया है, और इसके अलावा जो कोविड से जुड़े हुए लोग रहे हैं या फिर 80 वर्ष की उम्र में जो लोग जी रहे हैं, वो उनको मतदान स्थल पर जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए पोस्टल बैलेट होगी, और कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनको मुख्य तौर पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए और प्रत्याशियों के लिए की जाए। प्रदीप, बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगे आप सभी के पास, आप सभी के लिए वापस से हम लौटेंगे, रुक करेंगे आपका, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद फिर से इसी खबर पर जारी रहेगी हमारी खास रिपोर्ट।
तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 58 सीटों पर जो मतदान की जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और 9 सीटें पे आरक्षित हैं। इसको लेकर हमारे अलग अलग जगह पर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ज़्यादा जानकारी और अपडेट हमें पल पल की दे रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता भी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मोहित, आपका रुख करूँगी और देखिए जानने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जो टाइम स्लॉट है वो तय किया गया है कि कितने से कितने बजे तक यहां पर नामांकन की प्रक्रिया में प्रत्याशी पहुंच सकते हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम रखा गया है, यानी कि 11 बजे प्रत्याशी आ जाएंगे और 3 बजे तक अपना नामांकन कर सकते हैं। देखिए सबसे जरूरी बात हम अपने दर्शकों को और बताते हैं कि जितने भी नामांकन होंगे, यानी कि विधानसभा बाहर रूट अपने रूम जो है अलग अलग बनाए गए हैं, सबके लिए एक एक बीएलओ नियुक्त किया गया। यानी कि अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में 7 विधानसभा क्षेत्र है, कोई एडीएम प्रशासन देखेगा तो एडीएम सिटी देखेगा, यानी कि जितने भी राजस्व के रूम है वो सबके अलग अलग है, वहां एक बीएलओ की नियुक्ति की गई है। सबसे जरूरी बात यह कि सीसीटीवी की निगरानी में सारे नामांकन होंगे, यानी कि जो लगातार देखा जा रहा था कि किसी भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर न लगाए, तो सीसीटीवी पूरे कैंपस में लगे हुए और कैंपस के अंदर जो नामांकन होगा सीसीटीवी के अंदर रहेगा। रूम के अंदर जाने की प्रत्याशी के अलावा 2 लोग सिर्फ रूम में जा सकते हैं जो इनके सहायक होंगे और जो पर्चा लेके जाएंगे, जो यानी कि एक वकील टाइप जो बंदा होता है वो अंदर जाएंगे, यानी कि सिर्फ एक प्रत्याशी सहित 3 लोग अंदर जा सकते हैं। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात बताएं कि कांग्रेस के द्वारा अब तक 4 प्रत्याशी अलीगढ़ में घोषित कर दिए गए हैं। अगर मैं महागठबंधन की बात करें, यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की बात करें, तो 3 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया जरूर चालू होगी और ये 21 तारीख तक चलेगी। संडे का जो रविवार अगर बीच में पड़ेगा उसकी छुट्टी रहेगी, उस दिन कोई भी नामांकन नहीं होगा। लेकिन प्रत्याशी अभी तक आना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रत्याशी अभी जो बीजेपी और समाजवादी और कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी की जो लिस्ट आने वाली है, लिस्ट आने के बाद में ज्यादातर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जो भी कलेक्ट्रेट का रूट है पूरा रूट डायवर्ट किया हुआ है, यानी कि भारी वाहन इस रूट पर होकर कोई भी नहीं जाएगा। 500 मीटर पहले सारी गाड़ियां रोक ली जाएंगी और 100 मीटर पहले जो प्रत्याशी जाएंगे सघन चेकिंग के बाद जाएंगे। 100 मीटर प्रत्याशियों को पैदल चलना पड़ेगा और जो कलेक्टेड है, जिस कलेक्टेड में नामांकन होने हैं, उस नामांकन की प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 28 मजिस्ट्रेट की निगरानी में नामांकन होगा और गेट से लेकर यानी कड़ी व्यवस्था मोहित यहां पर कर दी गई है ताकि किसी भी प्रत्याशी को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना ना पड़े जिससे उनको परेशानियां पर दिक्कत हो। हमारे संवाददाता नरेश ठाकरे भी हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश, अगर आगरा की बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है और प्रत्याशियों को जुलूस ना निकालने की अनुमति है, ऐसे में क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में कल से ही लगातार जो प्रशासन है वो तैयारियां करने में लगा हुआ था, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि आज से अगर नामांकन शुरू हो रहे हैं तो किसी भी प्रकार की यहां पर चूक हो। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने तमाम यहां पर तैयारियां कर ली गई है। अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो अभी भी यहां पर कोई भी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। प्रशासन द्वारा तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं, जो भी प्रत्याशी यहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचेगा उसकी जो गाड़ियां है उन्हें करीब यहां से 100 मीटर, आगरा जो कलेक्ट्रेट है वहां से 100 मीटर दूरी पर ही रोका जाएगा। जी यानी कि बेहद ही ज्यादा ये सुनिश्चित करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि किसी भी तरह की परेशानी या पर दिक्कत ना हो। गाजियाबाद से लगातार हमारे संवाददाता यशपाल कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल, देखिए अभी तक बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, ऐसे में जब वो प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे तब आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी नामांकन की? देखिए मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं हैं, तो 5 विधानसभा में अगर जो राजनीतिक दल बसपा हुआ, समाजवादी पार्टी और गठबंधन और कांग्रेस, इन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें है भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कल सामने की लिस्ट मतलब चला था कि कुछ प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिए हैं भाजपा द्वारा, लेकिन जब तक भाजपा द्वारा ये क्लियर ना किया जाए तो उसको कह नहीं सकते। वहीं जो अन्य पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, कुछ निर्दलीय भी प्रत्याशी होते हैं जो नामांकन करेंगे, तो अभी तक तो गाजियाबाद कलेक्ट्रेट की बात करें तो फिलहाल कोई नहीं पहुंचा है वहां पर प्रत्याशी। 11 बजे से 3 बजे तक का समय वहां पर रखा गया है नामांकन के लिए, तो जाहिर सी बात है आज से शुरुआत है, अभी 2 या 4 दिन अभी बाकी हैं, तो आने वाले समय में भी कुछ प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। लेकिन जो प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहां पर की हुई है, तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था लेकर
कोरोना के जो पालन गाइडलाइन पालन कराने को लेकर तमाम तरीके प्रशासन अपने तरीके पूरी तैयारियां की हुई है और अब बस इंतजार है तो प्रक्रिया रहेगी नामांकन की अगर ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं तो देखिए सुविधा ऐप एक ऐसा ऐप चुनाव आयोग ने जो है निर्माण किया है उसका वो बनाया है उसमें जैसे बहुत ही आसान तरीके से जैसे हम अपना अपने नौकरी के लिए कहीं बायोडाटा लगाते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज है और निश्चित रूप से अपील भी ये होगी जो प्रत्याशी हैं वो गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादातर प्रत्याशी घर से ही इस नामांकन प्रक्रिया को पूरा करें डिजिटल तकनीक को और भी सहायता मिलेगी इसमें अपना नाम और अपना जो है अपने विधानसभा का कोड डालने के बाद तमाम तरह के पैरामीटर जो है वो खुल जाएंगे जैसे आयु आय आपकी इनकम इसके अलावा उम्र आपका जो मटेरियल स्टेटस है फिर जो आपका एक्सपीरियंस है और वो पूरा आप भरते जाएंगे फिलअप करने के बाद अंत में सबमिट का ऑप्शन होगा सबमिट जब करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक के ऊपर जब टैप करेंगे तो वो लिंक पूरा खुल जाएगा और एक बायोडाटा की तरह मतलब एक फॉर्म की तरह वो सामने आपके आ जाएगा आप उसको चाहे तो प्रदीप लेकिन देखिए 21 तारीख जो है वो नामांकन की अंतिम तिथि है 21 तारीख प्रदीप जो तारीख है वो अंतिम तिथि है नामांकन की यानी ये सिर्फ फर्स्ट फेज की जो तिथि है उसको तय किया गया है यानी 21 जनवरी तक सिर्फ फर्स्ट फेज के जो उम्मीदवार और प्रत्याशी हैं उनके लिए ही अंतिम तिथि तय की गई है बिल्कुल जो प्रथम चरण का मतदान है प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है 21 तारीख को खत्म होगी फिर उसके बाद वहां के जो प्रत्याशी हैं अपने चुनाव प्रचार में लगेंगे उसके बाद उनका जो है जो प्रथम चरण की वोटिंग होगी उस वोटिंग में जो उनके क्षेत्र के मतदाता हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे इसी तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में मतदान की प्रक्रिया को रखी गई है पहले ये जो प्रक्रिया थी वो 8 चरणों में होती थी लेकिन इसको एक बार इस बार शॉर्ट किया गया है एक चरण घटा दिया गया है कुछ जिलों को तोड़कर दूसरे जिलों में जोड़ा गया है और इस तरह से 7 फेज में ये पूरा होगा और 10 तारीख को जनगणना होगी तो चुनाव आयोग ने बड़ा सोच समझ के चूंकि देखिए अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का भी कहना था कि मार्च में थर्ड फेज आ सकता है थर्ड वेव आ सकता है कोरोना जब बहुत ज्यादा पीक पर होगा लेकिन उसके पहले अगर 10 तारीख तक गणना हो जाती है तो 13-14 में सरकार बन जाएगी उत्तर प्रदेश में तो अब बने रहिएगा हमारे संवाददाता अमित शर्मा भी हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़ चुके हैं अमित अगर मथुरा की बात करें तो यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया जाए इसके लिए क्या कुछ सुनिश्चित किया गया है प्रशासनिक तैयारियां क्या कुछ है शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से सभी को अलर्ट किया गया है कि 5 आदमी को लेकर नामांकन भरने जाएंगे 5 के अलावा एक भी आदमी एक्स्ट्रा नहीं होगा उसी को लेकर जिला प्रशासन भी काफी सतर्क नजर आ रहा है जिस पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करा रहा है कोरोना गाइडलाइन के लेकर कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है उसको देखते हुए सभी तरीके से रोक लगाई गई है और मात्र 5 आदमियों को नामांकन में जाने के लिए अनुमति दी गई है जी ठीक अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो हमारे साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता जुड़े लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े प्रदीप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका भी और नरेश आपका भी ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता भी जुड़े जिन्होंने ज़्यादा जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों को दी अमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस तमाम जानकारी के लिए तो आज से 58 सीटों पर नामांकन की जो पहले चरण में 11 जिलों में 58 सीटें आनी हैं विधानसभा कि उनके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था क्या है कोरोना के लिए किन-किन बातों का ख्याल रखना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं इनको लेकर हमारे तमाम जो जगह-जगह से हमारे संवाददाता जुड़े उन्होंने तमाम आपको जानकारी और अपडेट्स दी और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया के तमाम और खबरों के लिए और जानकारी के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ जय हिंद